हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सागर हुसैन व्लॉग्स पर। और आज के इस व्लॉग में हम आपको हजरत इब्राहिम शहीद नौगदा पीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मज़ार शरीफ लाहौर में है, वहां पर जाएंगे और वहां ज़ियारत कराएंगे आप सभी को। और वहां पर अभी जो उर्स मुबारक होने वाला है, उसकी तारीख कब की डिसाइड की गई है, तो वहां इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे इंशाल्लाह। तो बने रहिए आप हमारे साथ में और निकलते हैं अपने नए इस व्लॉग के नए सफ़र पर। सैयद बाबा इब्राहिम शहीद नौगज़ा पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने मुबारक पर पहुंच चुके हैं और आप लोगों को इंशाल्लाह ज़ियारत कराएंगे। हज़रत सैयद बाबा इब्राहिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह गज़नी के रहने वाले थे और आप हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मज़ार शरीफ बहराइश शरीफ में है, उनके उस्ताद थे। और उनके वालिद मोहतरम हज़रत सैयद साहू सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के साथी थे। बताया जाता है कि हज़रत साहू सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बाबा इब्राहिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक बार अजमेर शरीफ में हज़रत सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की थी और उनसे खिलाफत भी हासिल की थी। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं आस्थाने मुबारक पर। ज़ियारत करिए हज़रत बाबा इब्राहिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुक़दस का। दोस्तों, हज़रत बाबा इब्राहिम शहीद नौगज़ा पीर रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम जंगजू थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार इस्लामी जंगें लड़ी। इनकी हिंदुस्तान के कई इलाकों में पहचान है। इन इलाकों में कानपुर ज़िले का बिल्लौर कस्बा भी है, जहां आपका जिस्म मुबारक आराम फरमा रहा है। इसके अलावा हक की राह में किसी जंगी मुहाज पर आपकी शहादत हुई थी और इस दौरान सरे मुबारक ज़िला एटा के करीब कहीं शहीद हुआ। बताया जाता है उस दौर के बादशाह ने आपकी ताज़ीम का ख्याल रखते हुए सर को जलेसर नामी मुबारक जगह पर दफनाया और इसका नाम जलवाए सर रखा, जो वक्त के साथ बदलते हुए आज जलेसर के तौर पर मौजूद है। इस जगह पर भी आपकी दरगाह बनी है। इसके अलावा आपका उंगली का एक पोरा पंजाब की शरीफ नामी जगह पर दफन है, यहाँ भी आपकी मज़ार मुबारक दरगाह की शक्ल में आबाद है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ लगा हुआ है, इसकी उम्र कई सौ साल बताई जाती है। दोस्तों, हज़रत बाबा इब्राहिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बिल्लौर में मौजूद दरगाह पर सालाना उर्स होता है। इसमें लाखों की तादाद में हज़रत के अकीदतमंद तशरीफ लाते हैं। इस साल उर्स की डेट को तय कर लिया गया है, इसको लेकर इंतज़ामिया कमेटी तैयारियों में जुट गई है। यहाँ सभी धर्मों के लोग अपनी मनोकामनाएँ लेकर आते हैं। हज़ारों हिंदू मुस्लिम भाई शरीक होकर खराज अकीदत पेश करते हैं। बाबा का उर्स पाक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और यहाँ पर हमें हमारे एक दोस्त मिल गए हैं, सुल्तान भाई, इनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो सुल्तान भाई, हमें बताइए आप ये कि बाबा यहाँ जो उर्स होने वाला है वो कब कब है, वो किस तारीख में है? 28, 29, 30 मई 31 को। हाँ, तो 28 तारीख को उर्स का आगाज़ होगा और मिलाद शरीफ होगी। मिलाद शरीफ होगी और 29-30 को कव्वाली होगी। जी जी, माशाल्लाह। तो इस साल जो कव्वाल हज़रात यहाँ आ रहे हैं जी, और बहुत ही तादाद में भीड़ होगी और झूले वूले भी आएंगे तमाम। हाँ, तो सामने जो स्टेज हमें दिख रहा है, यहाँ पर कव्वाली होती है, यहीं पे कव्वाली होगी। अच्छा।
तो इस बार कव्वाल हजरत आने वाले कौन कौन से हैं? शान कादरी, छोटा मजीद। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। और 29-30 मई 2023 को उर्स होगा, कव्वाली होगी, और फिर 31 तारीख की सुबह में कुल शरीफ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कव्वालियों के लिए पहले से इंतजाम किया जा रहा है, यहाँ पे प्लस्तर का काम चल रहा है। हाँ, यहाँ पे कव्वाल हज़रात रुकेंगे। हाँ, कहाँ ले जाया जाए, यहाँ पे इनका इंतजाम चल रहा है। माशाल्लाह। तो दोस्तों, बाबा के यहाँ उर्स होने वाला है 28 मई को, मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है, और 29-30 मई को कव्वाली का, इसमें छोटा मजीद शोला, अजीम नाजा और चांद कादरी शिरकत करेंगे, और 31 मई को कुल शरीफ होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए करम, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।